दिस इज़ योगिता, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइट विजिट। सो गाइज, आज मैं आपको एक प्रेजेंट करने वाली हूँ, एक 3 BHK का फ्लैट जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप सभी को प्रॉपरली आइडिया मिलेगा कि आप अपना घर कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो फ्लैट रहेगा इसका साइज 1436 स्क्वायर फीट रहेगा। तो गाइज, जो इसकी लोकेशन रहेगी वो काफ़ी प्राइम लोकेशन पे रहेगा, एक हॉट लोकेशन जिसे मैं कह सकती हूँ, और मैक्स फेस 1 न्यू चंडीगढ़ की इसकी लोकेशन रहेगी। तो गाइज, अगर आप जानते हैं, या मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओमेक्स फेस 1 एक फुली डेवलप्ड एरिया है हमारे न्यू चंडीगढ़ का, जिसके अंदर आपको काफ़ी फैमिलीज मिल जाएंगी। इसके अलावा अमेनिटीज़ की अगर गाइज बात की जाए तो इसका क्लब हाउस भी ऑपरेशनल रहेगा। सो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो हमारी फ्लैट की लोकेशन रहेगी उसके नियर बाय आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल मेरे सामने जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, एक आपको पार्क मिल जाएगा। इसी के अलावा एक नेचर्स पार्क भी रहेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 एकर्स का पार्क रहेगा। तो काफ़ी ग्रीन एरिया के अंदर जो नेचर्स लवर्स हैं उनके लिए एक परफेक्ट लोकेशन रहेगी। एंड गाइस, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि PR7 एयरपोर्ट रोड पे हमारा ओमेक्स फेस 1 रहेगा, विद द वेरी बेस्ट लोकेशन। जो एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी हमारे न्यू चंडीगढ़ तक आती है वो पूरी हो चुकी है, तो ईजी कनेक्टिविटी रहेगी गाइज। सो गाइज, आइए चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। सो गाइज, ये आपकी फ्लैट की जो है बिल्डिंग रहेगी उसका एलिवेशन रहेगा S+3। तो गाइज, आपके ग्राउंड पे जो है आपको एलोकेट की जाएगी एक प्रॉपरली कवर्ड पार्किंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को पार्किंग इशू कर रखी है हमने प्रॉपरली। तो जो फ्लैट रहेगा वो हमारे सेकेंड फ्लोर पे रहेगा, जिसका एक बेनिफिट आपको गाइज मिल जाएगा, रूफ राइट्स, जो कि काफ़ी कस्टमर्स डिमांड करते हैं कि एक सेपरेट उन्हें टॉप फ्लोर की नीड है, ताकि उन्हें रूफ राइट्स मिल जाए। तो गाइज, ये विद लिफ्ट्स रहेंगे आपके बिल्डिंग। तो आइए चलते हैं आप फ्लैट के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये आपका लिफ्ट एरिया रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिफ्ट दी गई है, राइट हैंड साइड पे मेरे आपको जो है स्टेयरकेस मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं लिफ्ट से। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने सेकेंड फ्लोर पे। एक फ्लोर पे गाइज आप लोगों को दो फ्लैट्स मिलेंगे बिल्कुल अपोजिट, एंड काफ़ी अच्छा आपको स्पेस भी मिल जाएगा कॉरिडोर के लिए। तो ये हमारा फ्लैट रहेगा जिसमें हम आपको ऑलरेडी एक मैश डोर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा आपको एक वुडन डोर भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं फ्लैट के अंदर एंटर करती हूँ तो हमारा एक लिविंग एरिया आ जाएगा, जिसको हमने कंबाइन किया हुआ है हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ड्राइंग एरिया के अंदर। तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। 5-seater सोफ़ा सेट एल शेप में यहाँ पे जो है हमने इंस्टॉल किया है, एक सेंट्रल टेबल के साथ। एंड गाइस, इसके अलावा आप ये दो सोफ़ा सेट्स भी देख सकते हैं, ये भी अरेंज किए हुए हैं ताकि अगर ज़्यादा गेस्ट भी आपके घर आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा प्रॉपरली पार्टीशनिंग की हुई है वुडवर्क के साथ, जो कि इसके लुक्स को इनक्रीज़ कर रहा है। मेरी बैक साइड पे आप वॉल देखेंगे तो एक काफ़ी डिसेंट सा वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। सो इसके अलावा आपको गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए एक अलग से आपकी वॉल पे LED पैनल बनाया हुआ है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा हैवी वुडवर्क यहाँ पे यूज़ हुआ है। डिफरेंट सेक्शंस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने अपने फ्लैट को खूबसूरत बना रखा है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले यूज़ हुआ है। तो यू आर गेटिंग अ प्रॉपर आइडिया, एंड गाइज यू आर गेटिंग प्रॉपर आइडिया कि आप अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। देन गाइज, इसी के साथ आपकी बालकनी जो है ज्वाइनिंग रहेगी, जिसकी पार्टीशनिंग गाइज आपको UPVC विंडो के साथ मिल जाएगी। इसका एक प्लस पॉइंट गाइज ये रहेगा कि आपको विंडो के साथ हम एक मैश डोर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप वेंटिलेशन पर्पस देख रहे हैं तो आपका सबसे बेस्ट यूज़ ये रहेगा। देन ये हमारी एक बालकनी रहेगी गाइज, जो कि कॉमन रहेगी आपके ड्राइंग एरिया एंड आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ। कितनी अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि नेचर लवर्स है। प्लांट्स यहाँ पे ट्रीज किए गए हैं सिटिंग एरिया के लिए, आप ये देख सकते हैं आपका सिटिंग चेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो काफ़ी खुली डुली स्पेस रहेगी आपकी बालकनी की, कितनी अच्छी यहाँ पर फ्रेश एयर आ रही है, सो आप लोग आराम से यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। देन एक और सिटिंग एरिया गाइज, जहाँ पे आप अपने लव वंस के साथ जो है कॉफ़ी टी जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। सामने का व्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा, एक आपको पार्क भी यहाँ पे जो है मिल जाएगा।
इसी के एडजॉइनिंग हमारा रहेगा डाइनिंग एरिया। उससे पहले अगर आप इधर की सीलिंग को देखेंगे तो एज इट इज़ आप लोगों को सीलिंग पे डिज़ाइन भी हम देने वाले हैं। देन आ जाएगी हमारे डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग सेट जो आप देख रहे हैं प्रॉपरली आपको स्पेस का अंदाज़ा मिल रहा है। कितनी अच्छी स्पेस है, काफ़ी अच्छी मूवेबल स्पेस है जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज के साथ जो है फूड इंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये एरिया देखेंगे तो आपको एक क्रॉकरी की यहाँ पे जो है दिखेगी वार्डरोब जो कि काफ़ी अच्छे स्पेस कवर कर रहा है फर्स्ट थिंग एंड एक अट्रैक्टिव लुक जो है आपको दे रहा है यहाँ पे। देन फॉर डेकोरेशन और लुक्स की अगर मैं बात करूँ इस घर की तो आप PVC पैनलिंग देखेंगे विद लाइटिंग इफेक्ट और ग्रेसफुल जो है ये कर रही है आपके लिविंग एरिया को। देन इसी के एडजॉइनिंग गाइस हमारी किचन आ जाएगी। सो पैरेलली डिजाइन रहेगी हमारी ये किचन, फुली मॉड्यूलर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सेक्शंस देख सकते हैं कितने अच्छे अमाउंट में जो है हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दोनों तरफ आपको जो है मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक सिंक भी मिल रही है। देन आपका स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर यूज़ हुआ है। सो आपके पास भी अगर ऐसा ही बड़ा रेफ्रिजरेटर है तो काफ़ी अच्छा स्पेस ओवरऑल यहाँ पे जो आपको रेफ्रिजरेटर का मिल रहा है। माइक्रो ओवन भी यहाँ पे यूज़ हुए हैं तो काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी आपको जो है ये किचन मिल रही है जहाँ पे आप बड़े से बड़े इक्विपमेंट्स भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा डिज़ाइन फॉल सीलिंग पे भी आपको किचन में मिल रहा है गाइज। देन अटैच्ड बालकनी रहेगी, अगेन एक सेपरेट मैश डोर प्लस आपको UPVC सेक्शन की जो है विंडो मिल जाएगी। सो गाइज ये आपकी बालकनी रहेगी, एक कॉमन बालकनी आपकी किचन एंड आपके सेकेंड बेडरूम के साथ। तो ये आपका स्पेशली वॉशिंग एरिया के लिए डेडिकेट की हुई है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं प्रॉपरली आपकी यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगी एंड आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अगर आपको कुछ भी सर्फ वगैरह रखना है, सोप्स रखने हैं तो प्रॉपरली गाइज वार्डरोब भी यहाँ पे आपको बिल्टअप करके दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है आपको हम इस फ्लैट में प्रोवाइड कर रहे हैं। बेम्बू स्टिक्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है आपकी ग्रिलिंग के लिए भी यहाँ पे, ताकि लुक भी काफ़ी अच्छी रहे आपकी घर की। देन एक सबसे बेस्ट पॉइंट जो आपको इस घर के अंदर मिल रहा है वो ये है गाइस कि इसमें हमने जो है आपको स्टोर रूम भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर आप ये देखेंगे एल्युमिनियम का ये जो डोर है ये आपका स्टोर रूम रहेगा, जहाँ पे आपको जितना भी सामान अपना स्टोर करना, जो एक्स्ट्रा सामान रहता है आप इस एरिया में जो है इसे स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस फ्लैट में जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें मेनली चाहिए होती हैं वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइज आप लोगों को इस फ्लैट को अगर आप बुक करते हैं तो। सो गाइज अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम। सो गाइज बिल्कुल आपके लिविंग रूम से ही एडजॉइनिंग रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, बिल्कुल आपके ड्राइंग रूम के अपोजिट आ जाएगा। सो गाइज ये आपका फर्स्ट रूम रहेगा, तो आप खुद ही स्पेस अंदाज़ा लगा सकते हैं बेड लगने के बाद कितनी अच्छी स्पेस आपको इस रूम में मिल रही है। बिल्कुल बेड के सामने आपकी LED वॉल आ जाएगी, एज इट इज़ आपको LED पैनल इस रूम में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वार्डरोब विद स्लाइडिंग डोर आपको यहाँ पे वार्डरोब्स जो है मिल जाएंगी। एंड गाइस इसी रूम के साथ अटैच्ड आपकी बालकनी रहेगी, अगेन विद UPVC सेक्शंस के साथ इसकी पार्टीशनिंग है एंड सिटिंग एरिया आप सामने आप देख ही सकते हैं कि आप अपने लव वंस के साथ एंजॉय कर सकते हैं विद अ वेरी गुड स्पेस आपको ये रूम मिल रहा है। एंड फॉल सीलिंग का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो एज इट इज़ आपको वो भी मिलेगा। सो गाइज इसके साथ जो है अटैच्ड आपको वॉशरूम रहेगा जो कि आपका कॉमन वॉशरूम भी यूज़ होगा। तो यानी गाइज इसकी ड्यूअल एंट्री रहेगी आपकी आपके लिविंग एरिया से भी एंड आपके फर्स्ट बेडरूम से भी। तो काफ़ी अच्छा आपका वॉशरूम रहेगा, सारी प्रीमियम क्वालिटी की आपको ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पे जो है मिल जाएंगी। सो गाइज अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। सो गाइस ये आएगा आपका सेकेंड बेडरूम जिसमें डिफरेंट कलर थीम के साथ जो है हमने इसे डिज़ाइन किया है। एंड गाइस अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पर्टिकुलरली साइज के अंदर आपको काफ़ी स्पेशियस जो है बेडरूम्स यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर ये ड्रेसिंग एरिया की भी आप बात करेंगे काफ़ी अच्छा वुडवर्क यहाँ यूज़ हुआ है, डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं आपको स्टोरेज के। एंड इसके अलावा अगर दूसरी साइड पर भी मैं बात करूँ
तो अच्छे सेक्शंस यहाँ बने हुए हैं जहाँ पे आप डेकोरेशंस के पीसेस रख सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देखेंगे तो आपको हर रूम में एक फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी हम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। देन हमारी वॉल आ जाती है एलईडी की वॉल, तो सेम आपको जो है ऐसे एलईडी पैनल मिलने वाला है, जस्ट आपको अपना एलईडी लेकर आना और यहाँ पे प्लेस करना है। अटैच्ड आपको बालकनी रहेगी गाइस, ताकि सनलाइट वेंटिलेशन आपके रूम में आती रहे। ये जो एसेस रहेगा आपको मैश डोर के साथ रहेगा। एंड इसी के अलावा आपको वार्डरोब भी यहाँ पे मिल रही है, जो कि इनबिल्ट वार्डरोब रहेगी गाइस, वॉल टू वॉल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिरर भी आपको यहाँ प्लेस किया हुआ मिल रहा है। एंड गाइस इसी के साथ जो है आपका अटैच्ड वॉशरूम रहेगा, सो विद अ वेरी गुड स्पेस एंड ऑल सैनिटरी फिटिंग्स जो रहेंगी वो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी आपकी। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने लास्ट बेडरूम में, जो कि हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा। एंट्री हमारी यहाँ से रहेगी। सो अगेन अ वेरी वेरी गुड स्पेस, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है आपके थर्ड बेडरूम में। काफ़ी अच्छा मूवेबल स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जस्ट कि ये किड्स रूम की तरह जो है डिज़ाइन किया गया है। तो आप पहले सबसे पहले वार्डरोब्स देखें तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे कबर्ड्स मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्रॉपरली वो भी बिल्ट करके आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे फॉल सीलिंग का एज इट इज़ डिज़ाइन आपको सीलिंग पे जो है मिल जाएगा। एंड गाइज ये आपकी बालकनी रहेगी, बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रॉपरली पूजा रूम की तरह इसे डिज़ाइन किया गया है। अगर आप चाहें तो इसे प्रॉपरली बालकनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। देन ये पूरी वॉल अगर आप बेड के बैक पे देखेंगे एज इट इज़ आपको एक वुड वर्क मिलेगा। डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी मन पसंदीदार चीज़ें जस्ट लाइक ट्रॉफीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, तो एक आई कैचिंग वो भी रहेगा। तो एज इट इज़ आपको ये चीज़ें जो है मिलने वाली हैं। सो गाइज जितनी भी फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे तो सारी प्रीमियम विट्रीफाइड टाइल्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये था हमारा 3 bedroom + 2 washroom का कंसेप्ट, जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। तो रूफ पे भी हमने एक टेम्परेरी स्टोर रूम बिल्ट किया है, तो आइए चलते हैं पहले हम वहाँ पे देख लेते हैं। सो गाइज ये हमारी टेरेस रहेगी, तो सबसे पहले आप ये ग्रीन एरिया देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है। तो आप भी जो ऐसा कर सकते हैं अपने टेरेस को भी खूबसूरत बनाने के लिए। एंड ये जो पर्टिकुलरली स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे टैप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉशिंग भी कर सकते हैं। टाइल्स जो है यहाँ पे यूज़ हुई हुई है प्रॉपरली फ्लोरिंग पे, एंड साथ साथ अपने कपड़े जो है यहाँ पे सुखा भी सकते हैं। तो इसके अलावा एक ये जो है एल्यूमिनियम शीट्स के साथ जो बिल्टअप किया हुआ है एक टेम्परेरी स्टोर, जो कि सेकेंड फ्लोर वालों को ही असेस किया जाता है। सो गाइज अगर आप ये देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान है आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगी, ये वाटर टैंक्स के नीचे भी एक स्टोरेज का एरिया आ जाएगा, जहाँ पे भी अगर आपका सामान कुछ एक्स्ट्रा है तो आप वहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस फ्लैट में गाइज आपको हर एक छोटी से छोटी चीज जो है यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी अच्छा स्पेशियस फ्लैट रहेगा, प्रॉपरली आपके फ्लैट के साथ भी आपको एक स्टोर रूम मिल रहा है, ताकि आपको ऊपर भी ना आना पड़े। यहाँ पे भी आपको एक स्टोर रूम मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा। पूजा रूम भी आपने देखा कि कैसे बालकनी को यूटिलाइज़ किया गया है। सो ओवरऑल एक परफेक्ट घर जो है आपको यहाँ पे मिलेगा ओमेक्स फेस वन के अंदर। फुली ऑपरेशनल एंड डेवलप्ड हमारा ओमेक्स फेस वन रहेगा ऑन Pier 7 एयरपोर्ट रोड। तो आई होप गाइज कि आपको ये फ्लैट काफ़ी पसंद आया होगा, एंड जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे विजिट कीजिए एंड अपना मन पसंदीदार फ्लैट को बुक करिए। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। थैंक यू।